अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बड़ी ख़बर से हम आपको आगाह करते हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने नवाज शरीफ की रिहाई की सिफारिश कर दी। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी ने दावा किया है कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि तुर्की के साथ नवाज शरीफ का जो तलक रहा है इसमें पैसों का लेन देन कभी नज़र नहीं आया। तुर्क सदर ने इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से सिफारिश की है कि मियां नवाज शरीफ को रहा कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस हवाले से क्या जवाब था ये मालूम नहीं। मरूफ सहाफ़ी फ़खर रहमान ने समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नवाज शरीफ की रिहाई के मतलब अहम खबर दी। इनका ये कहना है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझसे बराह रास्त डील करो, मुझसे बराह रास्त रब्ता करो। इनकी कानूनी टीम को उम्मीद है कि 18 सितंबर को अजीज़िया मिल केस में नैब अदालत का फैसला एक तरफ रख दिया जाएगा और नवाज शरीफ को रहा कर दिया जाएगा। सीनियर साफी का कहना है कि नवाज शरीफ को कुछ दिनों तक रिहाई मिल जाएगी, इनका फैसला हो जाएगा। जमानत के बाद इन्हें पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करवाने की इजाज़त मिल जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहेब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। इन्होंने कहा है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहेब को सेहत की बुनियाद पर जमानत मिलेगी। मरियम नवाज शरीफ भी इनके साथ बैठ जाएंगी और केस अल्तवा का शिकार हो जाएगा। व्यूअर्स, आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं, नवाज शरीफ को रिहा करना चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।